गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई मामू। आज सुबह सुबह हाथी का कान पकड़ दिया गया है और हाथी की पिट्टी भी कर दी गई है। ये इस तरह से अब हाथी को यहाँ बिठा दिया है, तो आपको दिखाते हैं दिन भर क्या क्या मस्तियाँ करते हैं आज। ये क्या बना रहे हो आप? आज विराज ने अपने ये ब्लॉक्स भी निकाले और इनके साथ खेल रहे हैं काफ़ी देर से, तो इनको एक नया आइडिया आया। आज इन्होंने ये सारे ब्लॉक लगा के इस तरह से एक ये मैट बना लिया बड़ी सी, और अब इसमें इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। धनाधन क्रेन चल रही है, इसमें जेसीबी चल रही है और भी दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, और कभी कभी ये खुद भी चल दे रहे हैं इसके ऊपर से। ये ऐसे इनको बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने में। रोज़ इनके पास कुछ ना कुछ अलग आइडिया होता है खेल करने का। थोड़ी देर पहले इनको ट्रेम्पोलिन में जाना था, अभी कह रहे इनको बीच जाना है, तो अभी ट्रेम्पोलिन में जाना कैंसिल हो गया है और अब हम जा रहे हैं बीच। अभी आपको दिखाते हैं बीच में विराज के क्या मस्ती करते हैं। आज ट्रेम्पोलिन में नहीं जाएंगे, तो ट्रेम्पोलिन में अंदर भी जाओ तो हम जाएंगे, भी जाएंगे तो भी बोलेंगे। आप बोलो ट्रेम्पोलिन में अगर आपको जाना है तो ट्रेम्पोलिन ही चलते हैं। नो बीच ट्रेम्पोलिन सुबह मॉर्निंग। अच्छा मॉर्निंग ट्रेम्पोलिन जाओगे और शाम को बीच। बाप रे इतने बड़े राइम सुना दो। चलो जब तक हम बीच में पहुंचते हैं राइम सुना दो। सुनाओगे राइम? यस बेटर। राइम सुनाओगे आप? सुनाओगे राइम? नहीं सुनाओगे? क्या सुनाओगे? तुम दो हम बीच से पार्टी में आई हूँ। गिटार सुनाओगे?
क्या हो गया बता, क्या हुआ, क्या हो गया? अभी विराज पहुंच गए पाल वक्कम बीच, तो अभी इनको तुरंत भाग भाग के बीच में जाना है और उधम मचाना है। और बहुत बार तो कोशिश करते हैं कि गाड़ी से सीधे भाग के बीच की तरफ रेस लगा दें, तो अभी इनको गोद में भी नहीं बैठना है, सीधे बीच की तरफ भागना है। ये चलो भाई, चलो चलो चलो। हम बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँच के विराज को बहुत मज़ा आ जाता है, इसको कुछ नहीं चाहिए फिर बीच में अगर पहुँच गए तो। और गजब की बात यह कि घर में भी कौओं के ही पीछे पड़ा रहता है और बीच में भी कौओं के पीछे पड़ा रहता है, तो यहाँ भी जब भी जाता है तो कौवे आ जाते हैं इसके साथ खेलने के लिए और इनके पीछे भागता रहता है और रेत में उधम मचाता है। अभी भी रेत में कुछ तो मिल गया खेलने के लिए। और अच्छी बात यह है कि ये पानी में जाने की जिद नहीं करता है, तो ये गीला नहीं होता बीच के पास, हालांकि रेत वेत लगती है तो उसको हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पानी के पास कभी इसे जाने की जिद नहीं की। कभी कभार हम ले जाते हैं इसको पानी में, इसके सूज वगैरह खुलवा के पानी में इसके पैर टच करवाते हैं, लेकिन ऐसे जिद नहीं करता है कि नहीं मुझे पानी में जाना है, पानी में खेलना है। हालांकि जब ये घर पे रहता है तो इसको पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बीच के पास जाके कभी इसने ऐसे जिद नहीं की कि पानी में कूदना है या पानी के साथ खेलना है, इसको किनारे में ही बहुत मज़ा आता है खेलने में। असली मज़े तो यही ले रहे हैं समंदर के, और समंदर भी बहुत ऊपर तक आया है। यहाँ बैठने की तैयारी कर रहे अभी वापस जा रहे हैं बीच से, और थोड़ा सा प्लान में चेंज है, तो आप अगले वीडियो में देखेंगे कि बीच के बाद विराज कहाँ गए और विराज ने क्या क्या मस्तियाँ की। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं विराज जोशी ब्लॉग्स को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। और अगर आप लोग विराज जोशी ब्लॉग्स में नए हैं तो विराज जोशी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी विराज मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे रेत से भिगाना चाह रहा है और मेरी पिट्टी भी करना चाह रहा है, तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है एक चम्मच लेकर।